वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 9.1 पार्ट सेकेंड. नाउ क्वेश्चन 4 इज दियर. ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट. ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दियर 3/4. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दियर 3/4, राइट. तो सबसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो पहला क्वेश्चन था हमारा 3/4, ये यहाँ पर एक नंबर लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दी है. ठीक है, अब इस नंबर लाइन पर ये रहा आपका 0, ठीक है, ये रहा आपका 1, 2 एंड 3, इधर -1 और ये -2. ठीक है, यहाँ तक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 3/4. तो वेर इज 3/4, तो 3/4 होगा नंबर लाइन पर कहाँ पर, यहाँ पर. ठीक है, 0 और 1 के बीच में क्या होगा, 3/4 होगा इस पर नंबर लाइन पर. ठीक है, यहाँ तक के. नाउ इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे सामने -5/8. ठीक है, तो दिस इज़ योर नंबर लाइन. ठीक है, ये रहा आपका 0, +1, +2, -1 एंड -2. ठीक, देन -5/8. ठीक है, तो -5/8 कहाँ पर होगा, -1 एंड 0 के बीच में. ठीक है, कहाँ पर होगा, -0 एंड 1 के बीच में, ये होगा आपका -5/8. तो इस तरह से आपको क्या करनी है, नंबर लाइन को ड्रॉ करना है. ठीक ना, उसी तरह से थर्ड नंबर है हमारे सामने -7/4. ठीक है, -7/4 कहाँ पर होगा आपका, 1 एंड 2 के बीच में. ठीक है, यहाँ तक के. तो ये रहा आपका -7/4, राइट. तो इसी तरह से जो लास्ट क्वेश्चन है 7/8. ठीक है, तो 7/8 तो वो रहेगा आपका कहाँ पर, 0 एंड 1 के बीच में. ठीक है, बिकॉज 8/8 क्या हो जाएगा, 1, तो उससे थोड़ा सा पहले. ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 7/8. दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, राइट. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, द पॉइंट पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी ऑन नंबर लाइन सच दैट टी आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस यू एंड ए पी इक्वल टू पी क्यू एंड क्यू बी, देन नेम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एस. ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर रिप्रेजेंट करने किसके, पी क्यू आर एंड एस के, राइट. तो ये ऑलरेडी देखो आपको यहाँ पर एक नंबर लाइन ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है. ठीक है, ये नंबर लाइन रही आपकी. ठीक है, इस नंबर लाइन पे आपको ये रहा आपका 0. ठीक है, ये रहा 1, 2, 3 एंड 4, इधर -1, -2, -3 एंड -4. यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिए, कुछ अल्फ़ाबेट दिए, ए पी ए पी क्यू एंड बी, और यहाँ पर दिया है यू एस आर एंड टी. ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग आंसर में. देखो, ईच पार्ट विच इज़ बिटवीन द टू नंबर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है, आप यहाँ पर आप देखेंगे कि देखो दो पार्ट के बीच में कितने पार्ट्स डिवाइड करें उन लोगों ने, 3. यहाँ पर भी देखो 2 और 3. ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने पार्ट्स डिवाइड करें, 3. तो आप क्या लिखा, ईच पार्ट विच इज़ बिटवीन द टू नंबर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. दो नंबर्स से लेकिन डिवाइड कितने पार्ट में किया उन लोगों ने, 3/4 में. ठीक है, यहाँ तक के. तो यहाँ पर देखेंगे, देखो ए इक्वल टू 6/3, क्या लिखा है, ए की वैल्यू मैंने 6/3, 6/3 इट मीन्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. बट 3 1 3, 3 2 6, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी. ठीक है, उसी तरह से पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/3, और क्यू की वैल्यू 8/3. ठीक है, यहाँ तक के. और 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, देखो 9/3, इट मीन्स 3 1 3 और 3 3 9. ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2,
और ये हो जाएगा आपका थ्री, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये आ गए नंबर्स हमारे सामने, तो यहाँ पर हमको देखो ए की वैल्यू मिल गई है, ठीक है, देन पी, देन क्यू और देन पी, ठीक है। सिमिलर उसी तरह से जो है हमें जो नेगेटिव साइड में है वहाँ पर देखो टी की वैल्यू -3/3, इट मीन्स कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, आर की वैल्यू 4/3, एस की -5/3 और यू की -6/3, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना लिखा है -1, तो 3/3, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कितना लिखा है -1, तो -3/3 इट मीन्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो उसी तरह से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4/3, ठीक है। आर की वैल्यू आपकी 4/3 हो जाएगी, एस की वैल्यू आपकी हो जाएगी -5/3 और यू की वैल्यू क्या हो जाएगी -6/3, ठीक है। यहाँ तक के सो दस द रेशनल नंबर रिप्रेजेंट पी क्यू आर एस आर क्या होंगे 7/3, 8/3 एंड -4/3 एंड -5/3 रिस्पेक्टिवली, राइट। तो यहाँ पर आपको इजीली ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ना और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर -7/21 एंड 3/9, क्या है दोनों सेम है, ये हमको यहाँ से मालूम करना है, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्या है हमारे सामने -7/21 एंड 3/9, तो आपको चेक करना है कि ये दोनों जो रेशनल नंबर है वो दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग -7/21, ठीक है, एंड 3/9। देखो -7 इट मीन्स 7 7 3 21, और 3 1 3 3 3 9, तो क्या बचा मेरे सामने 1/3, और यहाँ पे कितना, यहाँ -1/3 और यहाँ पे क्या बचा 1/3, तो दोनों इक्वल है क्या, ये -1/3 और ये 1/3 दोनों इक्वल है क्या, नहीं, ये दोनों इक्वल है नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैंस -7/21 एंड 3/9 डू नॉट रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर, ठीक है, इट मीन्स ये दोनों कैसे है, सेम रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों सेम रेशनल नंबर नहीं है ना। इसी में सेकंड नंबर का हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन दिया आपको -16/20, ठीक है, -16/20 एंड 20/-25, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है -16/20 एंड 20/25। तो सबसे पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं -16/20 एंड 20/-25, ठीक है। तक देखो आप इसे डिवाइड कर सकते हो किससे, 4 से, 4 4 जो 16, 4 5 जो 20, देन आंसर विल बी -4/5, ठीक है। एंड इससे डिवाइड कर सकते हो आप किससे, दोनों में किससे डिवाइड होंगे, 5 से हो जाएंगे, 5 4 जो 20 और 5 5 जो 25, तो ये कितना हो गया 4/5, ये माइनस का, ठीक है, ये भी माइनस का है और ये भी कैसा है आपके माइनस का है, ठीक है ना, तो ये भी -4/5, ये भी -4/5, ठीक है। तक तो इट मीन्स ये दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए, समझ में आया आप सभी को, ठीक है। -16/25 ये भी -20/25, तो यहाँ पर -4/5 -4/5 ये दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए, तो हम लोग लिखेंगे -16/20 एंड
ट्वेंटी अपॉन 25 रिप्रेजेंट द सेम, रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। ठीक है, ये दोनों कैसे रिप्रेजेंट है, सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, माइनस 2 अपॉन 3 एंड 2 अपॉन 3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ -2/3 बाय -1। ठीक है, ऊपर नीचे अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमको, देखो -2/3। ठीक है, अगर हम लोग -2/3 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं -1 से, तो हमको क्या मिलेगा 2/3। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये -2/3 एंड, ठीक है, 2/3 रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों भी सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में वो आपको खुद से घर पे सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, आपको उसको क्या इसमें कन्वर्ट कर देना है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बोल रहा है, उसमें से ए आपको दिया उसने -8/6। ठीक है, -8/6, तो हम लोग क्या लिख देंगे, -8/6। ठीक है, अब 8 और 6 ये दोनों नंबर को हमको डिवाइड करना है ऐसे नंबर से जो दोनों में आता हो, तो यहाँ पर 2 का टेबल आ जाएगा, देखो 2 4 8 और 2 3 6, तो क्या बचा आपके सामने, -4/3। ये क्या हो गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, उसी तरह से बी आपके पास में है 25/45। ठीक है, पर तो देखो ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे 5 से, 5 5 25, 5 9 45। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 5/9 आंसर। सी देखें इस तरह से, तो सी में लिखा है -44/72, तो सबसे पहले आप तो इसे लिख लो -44/72। इसे जब आप डिवाइड करोगे 4 से तो ये आ जाएगा 11। ठीक है, 4 10 40 और 4 11 44 और 72 मतलब 4 1 4 और 4 8, ठीक है, 4 8 जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है ना, तो ये 4 1 4 यहाँ 3 कैरी हो गया, 32 हो गया, 4 8 32, तो आंसर विल बी 11/18, इट मीन्स -11/18। तो ये क्या हो गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन बाकी है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद का डी नंबर का, वो आपको खुद से घर पे सॉल्व करना है। एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।